तो नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मस्थ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोल की अद्भुत गाथाएं। लेकिन आज सुनाने की बजाय हम आपको मिलवा रहे हैं श्रीमती अलका मेहरोत्रा से। आपने गोपाल दादा की कथाएं सुनी होंगी, पूज्य सूरज मेहरोत्रा की बड़ी कथाएं मैंने आपको सुनाई हैं। तो उनके पुत्र गोपाल जी और उनकी पत्नी अलका मेहरोत्रा से मैं बात करा रहा हूँ। गोपाल दादा जब चले गए तो उस समय बरसी का कार्यक्रम भी आपके यहाँ हुआ था, तो नीम करोल से संबंधित क्या घटना हुई? जब इनकी बरसी का दिन आया जी, तो मैंने अपने किसी जानने वाले को फोन किया जी। मैंने कहा देखो कोई विद्वान ऐसा पंडित जी किसी को भेज दो जो थोड़े दरिद्र हो। अच्छा, क्योंकि आजकल पंडित आते हैं और खाना नहीं खाते हैं और एक पूरी खा करके चले जाते हैं और दान दक्षिणा ले जाते हैं जी। मुझे इस तरीके का नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि जो आए वो जिसे खुद आवश्यकता हो, जो आए वो ढंग से खाना पूरा खाए, प्रसाद पूरा ले। कहने लगा अच्छा ठीक है, मैं कह देता हूँ, मेरे घर के पास मंदिर है जी शिरडी बाबा का, वहाँ एक पंडित जी बैठते हैं, मैं उनको भेज देता हूँ। आप ऐसा करिए, वो कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन मैं उनको स्कूटर पे बिठा देता हूँ, आप पेमेंट वहाँ कर दीजिएगा। मैंने कहा हाँ तुम भेज दो, मैं पैसा दे दूँ। पंडित जी आ गए जी। पंडित जी आ गए, ये भी आए हुए थे यहीं, ये बिल्लू दादा जी, यानी हमारे दादा आपके बिल्लू जी, ये भी उस टाइम हमारे पास ही थे जी। तो इन्होंने मुझसे कहा कि भाभी पंडित जी आ गए हैं। मैंने कहा ठीक है, तो ये यहाँ बैठ गए, पंडित जी यहाँ बैठ गए जी। उनकी बात होने लगी, मैं किचन में पूरी उड़ी तल रही थी, इन्होंने बातों में उन्होंने जब ये फोटो देखी यहाँ, उसने कहने लगे ये तो नीम करोल जी बाबा है। अच्छा, कहा हाँ। तो कहते हैं कि आप कैसे जानते हैं? कहते मैं तो नीम करोल जी का ही हूँ। अरे आप देखिए, महाराज ने उनके हर काम में जैसे खुद आए हो जी जी, मैं तो नीम करोल जी का हूँ। मेरा कान जो थे वो इधर ही थे, मैंने पूरी उड़ी छोड़ी और मैं इधर आ गई। मैंने कहा क्या आप क्या कह रहे? तो कहने लगे मैं तो ऐसे नीम करोल जी का ही हूँ, और वहाँ तो बड़ा भारी मेला लगता है, मंगलवार को टिकट भी नहीं लगता ट्रेन में। अच्छा, फ्री में चलते हैं लोग। अच्छा, मेले में आने के लिए जी। उन्होंने काफ़ी सारी बातें करी वहाँ की। फिर उनको हमने खाना वाना भोजन कराया, भोजन करा के दान दक्षिणा जो कपड़े वपड़े जो देने होते हैं वो दिए। मैं किचन में चली गई, मैंने उनको पैसा देना था ऑटो का जी, ऑटो का पैसा देना था। तो मैं निकल के आई, तो मैंने कहा बिल्लू वो पंडित जी कहाँ? तो कहता वो तो चले गए। मैंने नीचे झाँका बालकनी से, कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं। कहा हाँ बिल्लू, उनको तो पैसे देने थे, ऑटो के पैसे उनको देने थे, अब ये तो बड़ा खराब बात हो गई कि वो ऐसे चले गए। कहते मुझे के तो पता नहीं था और वो तो चले गए ऐसे जी। उनको फटा कुर्ता पहना हुआ था, उन्होंने बहुत ही साधारण पंडित जी थे। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, पता किया वहां पर जिनसे बुलवाया था उनसे पता किया कि कहाँ है पंडित जी, वो वही थे। अब इस बार नहीं आ पाए, इस बार नहीं आ पाए। शाम में हमने कोशिश करी कि वो आए, वो कहने लगे कि जब ये कोविड हुआ था उसके बाद वो गांव गए थे, अभी तक उनकी कोई खबर नहीं है। दादा आप ये बताओ कि आपने बताया कि ये पंडित जी से क्या बातचीत हुई थी? पंडित जी आए यहाँ पे, हम बैठे हुए थे सामने, यहाँ बैठे हुए थे, तो पंडित जी आए, दरवाजा खोला, हमने कर बैठा ला, तब तक इंतजाम वगैरह किया जा रहा था उनका पूजन का और उसका सबका, भोजन का सबका जी। तो ऐसे ही हमने पूछा, हमने कहा पंडित जी कहाँ, सब ठीक ठाक? बोले मैं यहाँ साईं बाबा के मंदिर में हूँ और वो कहा गया था तो मैं आया हूँ वही खाने के उस पे, तो मैं बैठा ला। तब तक उनकी नज़र यहाँ सामने महाराज का चित्र लगा हुआ जी,
तो वो चित्र देखा, हमसे बोले ये तो नीम करोली बाबा का चित्र है। हमने कहा नीम करोली महाराज का चित्र है। बोले आपका कैसे? हमने कहा महाराज के अनुरूप, तो हम तो बचपन से पैदा हुए उसमें रहे हम। तो हमने कहा उन लोगों का तो बड़ा एसोसिएशन पुराना रहा है बाबा जी से जी। तो हमने कहा आपका इतना उत्सुक हो रहा है जानने के लिए? बोले कि ऐसा है कि मैं इन्हीं के गांव का रहने वाला हूँ, नीम करौली का, नीम करौली का मैं रहने वाला हूँ। और बस जब हमें पता चला, हमने कहा नीम करौली मतलब माता तब तक एकदम से माथा नीम करौली का नाम लेता है, जैसे जैसे वो मेन नर्स में नाम लिया नीम करौली। तो हम लोग उस समय बिल्कुल हताश थे, समझ लिया। और ऐसी सिचुएशन में जब नीम करौली का नाम आ जाता है, उसी से आदमी का मनोबल बहुत मजबूत हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो वही चीज हुई कि इनको नीम करौली का नाम सुन के हमको लगा कि चलिए इसका मतलब महाराज कहीं ना कहीं से रिलेशन बनाए, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव नाम भेज दे रहे हैं। बस भेज दे मित्रों, क्योंकि ये जो बात है वो कथा के रूप में भी है, और आज आपकी गोपाल मेहरोत्रा जी की धर्म पत्नी ने, और ये दो पात्र हैं इस कथा के, दोनों पात्र मेरे अगल बगल बैठे हैं, एक बहुत बढ़िया काम किया आपने, जो दान दक्षिणा दी आपने, जिसको अन्न दान दिया आपने, जिसको भोजन प्रसाद दिया उसमें ये लगा दिया कि भाई ऐसे पंडित की आवश्यकता है जो उसका नीडिड हो, आवश्यकता हो उसकी। और अगर आप भी कभी किसी कार्यक्रम में कभी भी भोजन करवाएं, वस्त्र दान करें, चिकित्सीय सुविधा दें, जो भी सहायता का अगर आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को करिएगा जिसे आवश्यकता हो। ठीक बात, ये राय देते हुए मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। राम राम।